गाइस अब हम यहाँ पे ये ट्राई करने वाले हैं, एक छोले टिक्की चाट, उधर दही बल्ले हम ट्राई करने वाले हैं। मन तो कर रहा है छलांग मार दूँ इसी में, और ज्यादा गहरा भी नहीं है, पता है, सही है। गुड आफ्टरनून माय टू फैमिली, सो वेलकम है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। सो अभी मेरा ये दूसरा ब्लॉग चालू हो गया है, सो पता नहीं कितना बड़ा बनेगा कितना नहीं बनेगा, मुझे कुछ नहीं पता है। सो अभी फिलहाल बस मैं यहाँ पे जो हमारे गार्ड भैया है ना, उनके लिए प्लेट मैंने रेडी कर दिया है। सो गरम गरम पूड़ी फ्राई करती हूँ और देखे आती हूँ फिर उनको। अभी अपने को तो भूख लगी नहीं है, ना मैंने खाया ना जिया ने खाया है। सो अभी पूरा फैला हुआ है मेरा किचन, इधर भी पूड़ी फ्राई कर लेती हूँ और इधर मेरा भैया के लिए प्लेट रेडी है। और बस अभी और हलवा इतना यम्मी बनाया ना, मतलब मीठा बोलते हैं ना, एकदम परफेक्ट, इतना सा भी ऊपर नीचे नहीं है, मतलब एक होता ना कि थोड़ा कम हो गया हो या थोड़ा ज़्यादा हो गया हो, एकदम परफेक्ट बैठा है मीठा। सो क्योंकि हलवा खाया मैंने, जैसे मतलब फास्ट खोला था मैंने अपना, तो हलवा खाया, सो बड़ा यम्मी है हलवा बना है। और नहीं तो एक रहता ना यार, जब तक हम क्योंकि बिना खाए बनाते हैं ना हम कुछ भी, मतलब पूजा का खाना, तो लगता है कैसा नमक होगा, कैसा मीठा होगा, कैसा बना होगा, क्योंकि अब अपने लिए बनाते तो टेस्ट कर लेती हूँ मैं, ठीक है, बट पूजा वाला खाना कोई भी टेस्ट करता नहीं है, तो वही रहता है, बेचैनी सी रहती है, पता नहीं कैसा बना होगा, सबको कैसा लगेगा। लेकिन सही कहते हैं यार, भगवान की चीज़ों में ना एक अलग ही वो होता है, पूजा का खाना बनता ही अच्छा है। सो बस चलो अभी फिलहाल मैं भैया को देख के आ जाती हूँ, उनको भूख लग रही होगी, वैसे तो वो 2 बजे तक खाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम से देख के आ जाती हूँ, मेरी वजह से वो वेट ना करना चाहिए, भले ही वो कभी भी खाए, बट मैं टाइम पे देख के आ जाऊँ, मैंने 1 बजे का बोला था, तो मैं 1 बजे तक देख के आ जाती हूँ फटाक से। सो यहाँ पर हमारी प्लेट रेडी हो गई है, मस्त गर्म गर्म पूड़ियाँ कुरकुरी। तो चलो देखिए आते हैं पहले भैया को, मैं उधर व्लॉग नहीं बनाऊंगी, यहीं पे बस थोड़ा सा बना ले रही हूँ, ताकि वो भी इसीलिए ताकि मेरा एटलीस्ट 8-9 मिनट का व्लॉग तो बन जाए, ताकि आप लोग देख पाओ मुझे मिस ना करो इसलिए, ठीक है। तो चलो देख के आते हैं भैया को पहले। सो भाई अभी सबको खिलाना का हो गया है और अब हमारी बारी है। सो अभी जी अपने लिए पूड़ी फ्राई कर रही है और थक गए बहुत ज़्यादा। सो थैंक यू जिया, तुमने सच में बहुत बहुत हेल्प किया हमारे को। सो बस चलो बस पूड़ी फ्राई करके अपन खाएंगे, फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। गाइस आज फाइनली सब कुछ हो गया, कितना सुंदर सुंदर सा लग रहा है, अभी मैंने कलश हटा दिया, बस जल चढ़ाने जा रही हूँ, बाकी ये सब जाएगा मतलब बीच पे चढ़ाने जाऊँगी, और अभी जल चढ़ाने जा रही हूँ नीचे, क्योंकि पौधे में डाल देती हूँ, अब यहाँ पे वैसे चढ़ा नहीं सकते कहीं पे भी। और ये देखो मैडम हीरोइन बन गई, ये भैया जो भूतनी बन के घूमती रहती है, मैडम का लुक देखो, ओ माय गॉड। चलो रेडी हो जाओ, मैं जा रही हूँ। सो गाइस अब बस मैं थोड़ा निकल गई मटर गश्ती करने के लिए। क्या हाल चाल, कैसा लगा, बढ़िया था। अब बस मैं जा रही हूँ थोड़ा सा घूमी घूमी करने, और देखते हैं और क्या है, कहाँ जाएंगे, कहाँ बस निकल रही हूँ ऐसे टाइम पास के लिए, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, इसलिए। सो गाइस देखो यहाँ पे भी स्टॉल्स लगे हुए हैं जगह जगह उधर खाने का था। तुमको पहले दिन आना चाहिए था, बताएगा कौन, मैंने इसको दिया था इनविटेशन, दिया था है कि नहीं, तुम लोगों को पहले दिन आना चाहिए था प्रमोट करने के लिए, सबके कम से कम चेहरे पे हंसी तो रहती। हाँ कोई बात नहीं, जब जाओगे तब सवेरा। इधर हाय मैम, ओके वेलकम टू माय टमोमेन शॉप। ओके सो मतलब यहीं से आप लोग
लोकल या कहीं और से? नो, फ्रॉम योर ओन यारी रोड। यारी रोड, ओके, ठीक है ठीक है। सो यारी रोड में कहाँ पे आपकी शॉप? ओ शॉप, वी हैव अ वी आर एजेंट। ओके ओके ओके, नाइस। सो चलो गाइस अंदर चलते हैं। हाँ, इधर थोड़ी कूलिंग है। हाय मैम। सो गाइस, इनके कलेक्शन अच्छे लग रहे हैं। कहाँ पे है मैम आपकी शॉप? मीरा रोड चेंबूर। अच्छा, मीरा रोड चेंबूर, ओके। सो गाइस, आप जाइए मीरा रोड में और दिवाली के लिए नई नई शॉपिंग कीजिए। ये देखिए, यहाँ पे इनका ये नाम है शॉप का। अच्छा, तुम यहाँ पे सबको जानती हो क्या? हाँ, सबको जानती हूँ, मेरा ही स्टॉल है। यहाँ पे देखो अपना नेकलेस वगैरह सब इधर। हाँ हाँ, ये दादा है हमारे, बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत पैसे छाप रहे हैं। पूरे हॉल में सबसे ज्यादा पैसे। अच्छा, अभी लास्ट वाले दिन क्या डाका डाले वाले। अच्छा कलेक्शन है। अभी करवा चौथ भी आ रही है, दिवाली आ रही है, सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, सो अच्छे हैं। सो आपकी कहाँ पे है शॉप? लोखंडवाला में। अच्छा, सो गाइस इनका ये ए उनका अच्छा अच्छा, देखती भी रहो। हाँ देख रही हूँ, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है जी मैम। प्रॉब्लम ये है कि मैं पहनती नहीं हूँ, तुमने कभी देखा नहीं होगा मुझे, लेकिन मैंने शॉपिंग की है। आप लेके इनको दे दो। अच्छा, इनके भाई हैं? कहाँ है इनके भाई? वो रहे इनके भाई, ये देंगे। क्या बोल रहे हो, मेरे भाई को तो कुछ गिफ्ट दो। ये देखो तुम, ये नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए? हाँ क्या ले रहे, साड़ी? हाँ सही है ना, अरे साड़ी ले लो, फिर मम्मी को गिफ्ट कर देना। ये देखो आपके लिए 50% डिस्काउंट। चल, एक साड़ी रश्मि के लिए, एक साड़ी मेरे लिए। देखो कुणाल, 50% ऑफ मिल रहा है, और क्या चाहिए आपको? हम तो अभी है ना। हाँ, उधर भी है बेटा। तुम फंस गई। वो भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, ज्यादा दूर नहीं है। रोहित पे ले लेना है। हाँ, रोहित ले लेना, उसके बर्थडे पे नहीं दिया था। बर्थडे पे तो आए, अरे नहीं थी मैं, मेरा रोहित चले गया। ये देखो ये बॉयज के लिए नाम तो होगा। ये है दुर्गा माता, वाओ। गाइज, यहाँ पे अभी प्रोग्राम होने वाला है, पंकज त्रिपाठी जी आने वाले हैं और बस अभी देखते हैं। गाइज, हम यहाँ पे आ गए हैं और मुझे पता भी नहीं था कि हम यहाँ आने वाले हैं। मैंने कुणाल को 10 बार पूछा था कि हम कहाँ जाने वाले हैं, मुझे बता दो, मैं उसी हिसाब से रेडी होके जाऊंगी। वेट करते रहते हैं, उस दिन तो आता नहीं है, जिस दिन नहीं वेट करते उस दिन सडनली टपक। अरे मैंने पूछा था कहाँ जा रहे हैं हम लोग, मतलब मुझे बता दो, मैं उस हिसाब से थोड़ा रेडी होके जाऊंगी। नहीं, बस ऐसे खाना टाइम पास। थैंक यू गाइस, यहाँ आए, हमारे इवेंट्स का चार्ज शाम लगा है, हमें पता भी नहीं था तुम यहाँ मिलोगी। नहीं, मैंने तो ये उसको बुलाया था, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे बुलाया था, थका हुआ सुबह। अरे कन्या खुलाई थी ना सुबह, तो सुबह उठे थे सारे लोग टाइम से। तो चलो गाइस, अभी थोड़ा जो, हाँ चलो इसी में अपना एक पोज लेते हैं थंबनेल के लिए। मेरा हाथ छोटा पड़ रहा है, ये लंबू, ये थोड़ी और मेरे से लंबी, साइज़ और लंबी, हाइट वाइज है। हाँ, यस यस, अभी अब यही थंबनेल जाएगा। गाइज, अब हम यहाँ पे ये ट्राई करने वाले हैं, एक छोले टिक्की चाट, उधर दही भल्ले हम ट्राई करने वाले हैं। कहाँ गए वो? हम
हमारा दही भल्ला बन रहा है। स्पून दे दो। ट्राई करके देखते हैं टेस्ट। ये तो उल्टे हाथ से खाना पड़ेगा। उल्टे हाथ में और यहाँ पे डांडिया खेल रहे हैं। और सबसे बेस्ट ये है कि पास इसका कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे ऐसे ही आ सकते हैं, पर क्राउड बहुत थोड़ा सा है। वो सब तो छोड़ो, वो अपनी मतलब की चीज़ नहीं है डांडिया, क्योंकि मुझे नहीं आता ये डांडिया वाला, लेकिन इसको देख के लालच आ रहा है मुझे। ए, इतना बड़ा पूल, मन तो कर रहा है छलांग मार दूँ इसी में। और ज़्यादा गहरा भी नहीं है, पता है, सही है। ये देखो वो लड़का जो दूर दिख रहा है वो मस्त घूम रहा है वहाँ पे। यार काश जा पाती। तो मैंने बोला था ना आज मेरा ना बस घूमने का मन है, तो ये घर में मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा गर्मी, ठीक है। और वैसे भी टाइम है नहीं मेरे पास में ज़्यादा, तो सोच रही थोड़ा सा मस्ती कर लेती हूँ। तो निशान बड़ा गंदा लग रहा है यार। तो इधर मस्त काउंटर लगा हुआ है पाव भाजी। हेलो, कैसे हो, क्या नाम है आपका? नाची। और आपका? जियाना। सॉरी, जियाना। ओके, सो क्यूट। सो इधर अपना ये है नूडल्स, पूरा चाइनीज गरबा खेल रहे हैं। गाइस क्या ट्रैफिक है, मतलब पूरा रास्ता फंसा हुआ है गंदे वाला। सी वही सोच रहा हूँ हमको इधर ही जाना है, और वही सोच रहे हैं कि कैसे निकलेंगे हम यहाँ से। आने वाला भी रास्ता जाम, क्योंकि सामने भी दुर्गाष्टमी का प्रोग्राम हो रहा है और इधर भी हो रहा है, सो इसलिए पूरा रास्ता जाम हो रखा है आज तो। बाप रे।